तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रटसर ऑफिशियल में। जैसे कि आप लोगों ने पिछली दो क्लासेस में हमने चैप्टर वन क्लियर कर लिया था, उसके नोट्स वगैरह सब कुछ हमने क्लियर कर ही लिए थे। तो हमने जो भी सारी इम्पोर्टेंट बातें क्लियर कर ली थी, उन सभी पे बेस्ड अब एक एक्सरसाइज बची हुई है, जो कि है हमारी स्टेनो की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। तो पहले मैं आपको उन सभी बातों को एक बार याद करा देता हूँ जो भी हमने पीछे पढ़ी हैं। जैसे कि हमारे कंसनेंट्स, पहली बात कंसनेंट, कंसोनेंट छह थे जो हैं प प ट ट च च, प ब ट ड च च। तो ये हमारे कंसनेंट्स हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो ये हमारे कुछ कंसनेंट्स हैं जो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने वोवल ए पढ़ा था, जिसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। फिर हमने जॉइनिंग जॉइनिंग पढ़ी थी, जैसे पी बी प ब प ट। फिर हमने वोवल ई पढ़ा था, वोवल ई जिसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। इसके कुछ वर्ड्स जैसे ईच ईच हो गया, बैट हो गया, और इस वोवल ए के जैसे कि बे डे, ऐसे कुछ वर्ड्स थे। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी, शॉर्ट फॉर्म्स आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से एक बार आप अपने चैप्टर को, जब आप आगे पहुंच जाएं, थोड़ा आगे निकल जाएं, हर वीकेंड को या फिर आपको जब भी छुट्टी मिले उस दिन आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजीली पड़ जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। सेकंड इट डू विच दी, डी के बाद है टू, टू और टू, उसके बाद बट, फिर हु, ऐसे कुछ ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी, ये हमने पढ़ ली थी। उसके बाद बात आती है, हमने कुछ फ्रेजेस पढ़े थे, जैसे कि दा को हम एक है एक लाइन पर एक डॉट बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर ये किसी वर्ड के साथ या शॉर्ट फॉर्म्स के साथ आता है तो इसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि इसको ये डैश बन जाएगा, डैश इस तरीके से बन जाएगा, लाइट बनेगा। तो ये किस सिचुएशन में किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आ गया टू द, तो टू इस तरीके से बनता है, तो इसी साइड में ऐसे बन जाएगा द, ये टू हो गया, ये द हो गया, ओके। फिर आ जाता है बी द, तो ये बी हो गया, फिर ये इस तरफ झुका हुआ है तो द भी इसी तरफ हल्का सा द बना देंगे। फिर आ जाएगा डू द, डू सीधा होता है तो ये बनेगा ऊपर की साइड ऐसे, ये दिख रहा है, इस साइड दा बनेगा, ओके। तो इस तरीके से कुछ फ्रेजेस थे, सारे आपको पीछे वाली वीडियोस में मिल जाएंगे जो कि मैंने डाली हुई है जीरो टू हीरो क्लासेस में। तो अब बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर वन। जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए थे सब इसमें आएंगे,
इसके अंदर आपको पूरे चैप्टर की एक यू मान लो आपकी तैयारी जो जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आप ये डिक्टेशन कर सकते हैं। तो हम करेंगे अब डिक्टेशन शुरू। तो दोस्तों जैसे कि हमारी पहली लाइन रहेगी, फर्स्ट लाइन रहेगी कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट लाइन कुछ इस तरीके से, ये इतनी सी लाइन है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो एक बार मैं आपको पीछे वाला दिखाते हुए बता देता हूं। हाँ, तो जो भी हमने अभी अभी किया है वो, तो ये डॉट क्या है, अब यहां पर आप ढूंढोगे तो जैसे कि ये डॉट है, सेम है, ये किसका था, दा का, तो दा, दा, ये क्या है, यहां पर देखोगे ये डी है, डी टी टी डी और टी है ऊपर नीचे, तो डी हो गया टी हो गया। अब ये वोवल हैवी है, हैवी वोवल है, हैवी डॉट है, तो ये बन गया ए। और वर्ड बनाने के लिए कंप्लीट वर्ड कैसे होगा, तो ये इसमें ई लगा दो तो डेट बन जाएगा, तो दी डेट, और ये क्रॉस हो गया हमारा फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, तो इसका आंसर हो गया द डेट। इस तरीके से ये दोनों का आंसर द डेट हो जाता है। सेकंड लाइन भी आपको लिखकर बता देता हूँ, अब पीछे का दिखा नहीं पाऊंगा तो आपको यहीं से समझना पड़ेगा। तो सेकंड लाइन है द पेज, अब मैंने तो रीड कर दिया, आपको भी याद करना पड़ेगा, ये पीछे वाले में भी आया था डॉट, इसमें भी है, तो ये तो कंफर्म हो गया दी है। ओके, अब ये प है, कॉन्सोनेंट पी, और ये जे, पेज, यहाँ पर ए है, ए वोवल है, ये जे है, पी है, तो पी, ये ए पी के बाद है तो ए लगा दो, और ये जे है, जे तो वर्ड बनेगा नहीं, पेज, तो जैसे कि हम जी ई को जे जे पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन पेज, पेग नहीं पेज होता है प्रोनाउंसिएशन, तो ये पेज ऐसे बना देंगे, उसको बाद उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आती है थर्ड लाइन, तो अब बात करते हैं ये कैसे बनेगा, इसमें तो दा भी नहीं है, इसको पहचान लेंगे। तो आप अगर पीछे का ध्यान रख रहे हैं तो ये इसको हटा दो थोड़ी देर, तो ये जो है ये इससे सिमिलर है, तो याद करो ये कैसे बना, डी ए टी, तो इतना तो लिख दो डी ए टी, अब मीनिंग बनेगी ई लगा दो, मीनिंग बन गई डेट, पी ए जी, यहां पर देख रहे हो पेज, इस तरीके से आपको मीनिंग बनाते हुए लिखना है। बुक होगी आपकी स्टेनोग्राफी की न्यू एरा, न्यू एरा बुक आती है वो आप ले सकते हो, उसके साथ आंसर की होगी, वो आप चाहो तो ले लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है मैंने, इस वीडियो से पहले डाल दी है मैंने, पीडीएफ डाल दिया पूरी आंसर की का, तो वो लेने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, ये बुक आप खरीद सकते हैं, स्टेनो में आपको यहाँ पर समझा दूंगा। जैसे कि अब मैं आपको एक बार मेरी बुक से दिखा दूँ, ये कैमरे के नीचे आ गई, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी, ये मेरी बुक है, तो यही मैंने आपको दिखाई है,
डेट द पेज द डेट द डेट सॉरी ये द डेट नहीं है द डेप्ट पे द डेप्ट ऐसे ये हमारी आंसर की मैंने अपलोड कर दूंगा आंसर की आपको मैं फिलहाल बुक से ही बता देता हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फोर्थ लाइन है आप हमारी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये द है यहाँ पर बना हुआ है ऐसे है द डेप्ट इसको हटा तो ये कैसे बनेगा ये द आपने पहले भी देखा है ये डेप्ट नई चीज है मैंने आपको खैर वर्ड में बता तो दिया था वर्ड्स प्रैक्टिस की थी तब मैंने आपको बता दिया था तो पहले तो द अब डार्क डी एंड लाइट तो टी टी लिख लो अब ये लाइट है देख रहे हो पहले वालों से लाइट है ये तो यहाँ पर ई तो डेट तो कुछ बनेगा नहीं तो ये बनेगा डेप्ट 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 इस तरीके से ये बनेगा एंड फुल स्टॉप। फिर आते हैं फिफ्थ लाइन पर ये कैसे बनेगा ये याद हो सभी को तो मैंने आप सभी को ये वर्ड अच्छे से बताया था पी ए द ये तो समझ गए होगे आप सब द की जॉइनिंग टू आई पे पी द पे द अब ये तो बता दिया पे द फिर आएगा डेप ये ऊपर और ये सिमिलर हैं डेप्ट तो इस तरीके से फिफ्थ लाइन भी हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं सिक्स्थ लाइन पर डिक्टेशन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है वर्ड्स की तो आपकी डिक्टेशन काफी अच्छी होगी कोई रोक नहीं सकता आपको। फिर आते हैं ये कुछ नया आ गया भाई साहब अब तक तो द से शुरुआत हो रही थी पे से हो रही थी डेप्ट से हो रही थी ये तो कुछ नया ही आ गया इसमें तो अब मैं आपको एक बार पीछे सैर करा के लाता हूं तो पीछे आप देखोगे तो ये हमने बना रखा है यहां पे ध्यान से देखो तो ये क्या है हु शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए तो ये फर्स्ट तो हो गया हु फिर पी ये क्या है यहां पे ए डी फिर ये तो हमारा दा आ गया दा को तो सभी पहचान गए होगे इसका तो शुरू से आखिरी तक काम ही इसको तो याद रख लो तो ये हो गया इस पेड तो आई लगा दोगे ये हो गया जैसे कि हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारा ट्रांजेक्शन पेड दिखाता है जो भी सक्सेसफुली पेड ऐसे दिखाता है वो वाला पेड है फिर ये डी हो गया ये टी हो गया ये लाइट है जो है ई तो डी ई टी लेकिन ये तो डेप्ट है समझ गए ये डेप्ट है तो ये इतना सा वर्ड बनाया हमने इसकी कितनी बड़ी इंग्लिश में होगी तो इसी को स्टेनोग्राफी बोलते हैं हु पेड दी डेप्ट Who paid the debt? Question mark.
नेक्स्ट आते हैं सेवंथ लाइन पर। सेवंथ लाइन क्या कहती है भाई साहब? ये कहती है एब पेज पेड इट बट टेड डे पेड इट टू। ये तो भाई काफी बड़ा हो गया। अब आप सब सोच रहे होगे ये मैंने क्या बना दिया, छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया, छोटा बड़ा, ये बिंदी बिंदी लगा दी। ये बिंदी बिंदी बना दिए, क्या लाइनें से खड़ी कर दी बच्चों की तरह। लेकिन भाई इनका भी एक स्पेसिफिक मतलब होता है, अपना अपना अलग अलग रोल है इन सबका। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हो गया फर्स्ट, हो गया ए और बी, एब, ये हो गया एब। ये ऊपर भी हमने पढ़ा है, दिख रहा हो तो आपको, पेज ज्यादा ऊपर चला गया ना, हाँ अब दिख गया, ये रहा पेज। तो ये पेज, पेड, ये भी हमने शायद पढ़ा है ऊपर, ध्यान दिया हो तो आपने, ये पेड यहीं पे पढ़ रखा है क्या? पेड, ओके ये हो गया पेड हमारा। अब ये तो हमारे पुराने आ गए थे वर्ड्स बीच में जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, तो अब कुछ नया आ गया भाई साहब। ये क्या है? दिखाई तो कंसोनेंट टी की तरह दिख रहा है, दिखाई देने में तो, बट ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इट। इट कोमा लगाओ, ये छोटू सा क्या आ गया, छोटू सा है, लाइट है, डार्क नहीं है, ये डार्क तो अब मेरी पेंसिल रखने से हो गया। ये है बट, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। फिर आ गया, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सभी बता देंगे टी ई डी, ये तो नहीं पढ़ा हुआ था, टी ई डी ये नया वर्ड है जो हमने पीछे वर्ड्स में पढ़ाई कर ली थी, पढ़ लिया था, ये वही वर्ड है टेड, टेड पेड डे ऐसे होती है ये। टेड, ये क्या है? ये दिखाई तो दे रहा है डी की तरह और ये ए लग रहा है, तो लिखते हैं डी ए, ये वाई लगा दिया तो डे बन जाएगा, तो ये हमारा सही हो गया। फिर ये पी दिख रहा है, ये डी दिख रहा है और ये ए, तो शायद ये बनेगा पेड, जो कि हमारा सही है। फिर ये इट, इट शॉर्ट फॉर्म है। अब ये कुछ बहुत नया आ गया, ये तो हमने इट भी पहले पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब ये क्या चीज है? ये तो हमने ना कंसोनेंट्स में पढ़े ना वोवल्स में पढ़े, ये कुछ तो नया है। ये दा है या कोई शॉर्ट फॉर्म? तो दा तो जॉइनिंग के साथ बनता है इस तरीके से। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम पढ़ते हैं टू और टू। अब इनमें से आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करना है क्या लगेगा। तो सेंटेंस कुछ हमारा इस तरीके से है, ए पेज पेड इट बट टेड डे पेड इट टू। यहां पर लगेगा ये वाला टू, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग वगैरह की बात हो नहीं रही है, पैसों की बात हो नहीं रही है, तो ये टू का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये टू लग जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमारी सेवंथ लाइन काफ़ी जो की जानकारी देने वाली थी वो आग ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लाइन। अब आगे बढ़ते हैं एट्थ लाइन पर। एट्थ लाइन कुछ इस तरीके से है, टेड पेड द डेब्ट विच एब पेड। भाई ये तो छोटी सी है, इतनी सी लाइन है यार, देखो तुम, उंगली से भी छोटी है मेरी से,
तो अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, टी हो गया, ई और डी, तो इसमें होगा टी ई टी, टेड, टेड बन गया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, पी ए डी, पी ए डी, आई लगा दो, पेड़ हो गया। नीचे ये क्या दिख रहा है, सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो ये क्या था, मैं फिर लिख देता हूँ, पहले बता दो। हाँ बता दिया होगा, तो ये है द पेड़, द डी ई टी, डी ई बी टी, ये डेप्ट हो गया। थोड़े वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, समझना पड़ेगा किस तरीके से बनेंगे, बाकी भाई स्टेनो काफी सिंपल है, जो भी भाई तैयारी करना चाहता है, स्टेनो काफी सिंपल है। कैमरा एंगल चेंज करता हूं मैं, डेप्ट, तो ये डेप्ट तक तो हो गया। अब आगे कुछ और नया, जैसा नया सा दिख रहा है, कुछ नया सा ये है, तो इसको मैं बाद में लिखूंगा लास्ट में, तब तक आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में बता दो, ये तो नया है इसको तो बता दो। तो आगे वाला होगा ए बी, ए बी ई ए, फिर हो गया पी ए डी, पेड़, पी ए आई डी, पेड़, एंड फुल स्टॉप। कर दिया होगा कमेंट आप सभी ने, तो ये होगा विच, विच हो जाएगा, विच जो कि हमारी एक शॉर्ट फॉर्म है। मैंने अभी आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म्स याद कराई थी, रिपीट कराई थी, तो उन्हीं में आप देख सकते हो, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, और अगर अच्छे से देखना है ना, अच्छे से तैयारी करनी है, तो पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो आप। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज बची हुई है हमारी अभी 9th लाइन, तो इसको कैसे करें, कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, फिर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। सभी मेरे साथ साथ रीड करते रहो, डेप, टेड, पेड, इट, टू, तो इसको ऐसे रीड करेंगे, द डे ए पेड डेप्ट, डेड पेड, इट, टू। अब आप लोग बोलोगे ये तो समझाया ही नहीं, चलो समझा देता हूं। इसमें ऐसे होगा, ये होगा द, हमने पहले पढ़ा हुआ है, डी ए, डी ए वाई लगा तो डे हो गया, ये तो याद हो ही गया होगा, ये तो इतनी बार आया है, हद नहीं है इसकी, तो फिर भी बता दूं, पी ए डी आई लगा दो, और ये हो गया द, पेड़, द डी ई टी, डेप्ट, टी ई डी, ये तो सिंपल है, ये पेड़ फिर से आ गया, एंड ये हो गया इट शॉर्ट फॉर्म, ये टू ये भी शॉर्ट फॉर्म है, तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ। अरे अभी भी लाइनें बची हुई क्या, अभी बता देंगे। तो अब हमारी कुछ लाइनें बची हैं, कैसे कितनी, 3 बची लाइनें, 3 लाइनें बची हैं हमारी, जो कि हैं
काफी छोटी छोटी लाइन है। टेंथ लाइन है हमारी इलेवेंथ लाइन, और ट्वेल्थ लाइन। तो ये हमारी लास्ट तीन लाइनें बची हुई हैं, जिनको हम कैसे पढ़ेंगे तो बताएंगे भाई, आपको जरूर बताएंगे कैसे पढ़ेंगे। तो ये अब तक नहीं आया, ये डी दिख रहा है, डी है, इससे शॉर्ट फॉर्म भी है याद हो, डू डू पेज। टू पेज फिर हो गया टू, ऐसे तो ये हो गया भाई। ओके, अब हमारा हो रहा है जैसे कि ये इस लाइन पर चलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये है ए डी, आई लगा दो एड इड, ये ई है लाइट, ये लाइट है, ये डार्क है, एड टू, ये टू आपको बताया हुआ है, नीचे ये सिंपल बना हुआ है ना, तो इसको डू पढ़ेंगे, टू डू इट, ये इट हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं पे, नेक्स्ट लाइन पी ए वाई, पे TED, TED टू, ये A और D है, तो A और D बीच में I लगा दो, एड और A और B, A B E लगा दो, A। तो ये कुछ इस तरीके से भाई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज की फोटो आप सभी को मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये है हमारी एक्सरसाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉप कर लो, फोटो आपके पास आ जाएगी, इसको देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से थी हमारी एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो की कुछ बातें करें, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर टू, चैप्टर टू में है कंसनेंट्स, जो कि लगभग 8 कंसनेंट हैं, और उसमें वोवल पढ़ेंगे, ओ वोवल और वोवल यू, कुछ कंसनेंट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म हैं, जो कि 7 या 8 शॉर्ट फॉर्म हैं, और कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स तो होंगे, फिर कुछ वोवल ओ वोवल यू उनके वर्ड्स हैं, एक्सरसाइज सेकंड एंड एक्सरसाइज थर्ड, ऐसे ये हमारा चैप्टर है जिसको हम डिवाइड करेंगे। पहले आपको वर्ड्स एंड उसके सॉरी कंसोनेंट्स और उसके वर्ड्स पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद वोवल ओ एंड यू कवर करके दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट में आपको एक्सरसाइज सेकंड और फोर्थ में एक्सरसाइज थर्ड, ये करा के आपका वो सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है, सभी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, आगे भी पूरी स्टेनो में रोल रहता है इनका, अच्छे से तैयारी करनी है। आधा आधा एक एक पेज आपको ये वर्ड्स वगैरह प्रैक्टिस करनी है, कंसनेंट्स सॉरी कंसनेंट वोवल
एंड ये ज्वाइनिंग करके वर्ड्स जो भी हो गए शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह, आपको आधा आधा एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है हर एक को। जैसे ये है प है, इसको कम से कम यहाँ तक तो करो ही करो। कितनी लाइनें होगी, 1 2 3 4 लगभग 10 लाइन के आसपास तो कम से कम करना, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करो और अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर कर दो। चलो बाय।